संपर्क किया, उनके एडमिशन नहीं ये इनके, वो भी डीसी ऑफिस में ही जॉब करते हैं भैया। मैं उन्हीं के साथ गई, हम एक गाड़ी में बैठे, हमें पता ही नहीं चला, उसी को फोन आया। मैं उन्हीं के घर में बैठी थी, उसकी बेटी का बर्थडे था, उसी वक्त गई थी। मैंने 10 मिनट पहले उससे बात की थी, 10 मिनट पहले। मुझे बोलता है किसी का नहीं खाना, ये तूने जो ये धुलवाए हैं इसको पैसे बराबर देना, जितना मांगेंगे उतना देना, ये गरीब है इनको दे देना। बस 10 मिनट भैया, 10 मिनट की बात हुई। 10 मिनट के बाद मुझे नहीं पता था उसको गोली मार देंगे। मुझे पहले ही थार उठ गई थी, जब उसको गोली मारी मुझे थार उठ गई थी। मैंने यू ही साहिल भैया को फोन आया, मुझे पता था ये इसी को कुछ हो गया, इसको ही कुछ हो गया। वो मुझे वहां तक बोला इसको कंधे में गोली मारी है। मैंने बोला चलो बाजू चली जाएगी, कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। मैंने टांग भी चली जाती मैं कर लेती कुछ ना कुछ, मगर भैया उन्होंने मुझे को ले लिया, मुझे उसी से एहतियात चल रहे हैं हर जगह पे। आपको प्रोत्साहन मिल रहा है इसका? आपको लग रहा है सारे आपके साथ हैं, आप अकेले नहीं हो? अकेली तो भैया मैं रह ही गई हूँ, मेरे साथ ही सब, कोई नहीं है, कोई नहीं है, वही था बस।